उस दिन हमने आपको पहला फर्स्ट पेज पढ़ा दिया था और उसमें आपका फोरियर सीरीज के फार्मूला था और इसके साथ साथ कुछ और फार्मूले थे। आज आगे देखिए, द यूलर्स फार्मूला, द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन द इंटरवल एक्स लाई बिटवीन सी टू सी प्लस टू पाई इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू दी ए बाई टू प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एक्स प्लस समेशन एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स वेयर ए नॉट इज इक्वल टू दी वन अपॉन पाई इंटीग्रल सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स डी एक्स ए एन इज इक्वल टू दी वन अपॉन पाई इंटीग्रल सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स बी एन इज इक्वल टू दी वन अपॉन पाई इंटीग्रल सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। तो ये आपके जनरल फार्मूले हैं ए नॉट ए एन बी एन के, जहां पे सी जो है हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे, अलग अलग फार्मूले अप्लाई होंगे। तो मैंने उस दिन बताया था कि फोरियर सीरीज जो है वो एक्सपेंशन है किसी भी फंक्शन का, चाहे वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन उसके लिए जो है इंटरवल गिवन होता है। यानी जब हम सी के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे, नोट फर्स्ट, इफ सी इक्वल टू जीरो देन द इंटरवल बिकम्स एक्स लाई बिटवीन जीरो टू टू पाई, तो ए नॉट वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से टू पाई एफ एक्स डी एक्स, ए एन हो जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, बी एन हो जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रल जीरो से टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। यानी जब इंटीग्रल से जीरो से टू पाई होगा इंटरवल, तब उसके ये फार्मूले हैं। और इन ए नॉट ए एन बी एन में जो फार्मूले होते हैं उसमें से इंटरवल जो होता है चेंज होता है, बाकी इंटीग्रेशन के अंदर वही रहता है। इसी तरीके से नोट टू में देखिए कि अगर हम सी के प्लेस पे माइनस पाई पुट कर देंगे तो इंटरवल बन जाएगा माइनस पाई से पाई, और ए नॉट की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। इसी तरीके से बी एन हो जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और इसी तरीके से बी एन हो जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से ये चीज हो जाएगी, और जो आपका फोरियर का फार्मूला है वो वही रहेगा। तो ये फार्मूले हैं, नोट फर्स्ट एक फार्मूला है पूरा, फिर नोट सेकंड है फार्मूला, बस इंटरवल चेंज होगा। नेक्स्ट देखिए, बी एन ए एन हो जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन हो जाएगा वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसी तरीके से नोट थर्ड है, नोट थर्ड में क्या है, एफ एक्स है जिसे नोट फर्स्ट पहला फार्मूले हैं जहाँ पे इंटीग्रल जीरो से टू पाई है, नोट सेकंड जो है दूसरे फार्मूले हैं जहाँ पे इंटीग्रल माइनस पाई से पाई है इंटरवल, नोट थर्ड में क्या है कि अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन होगा, तो एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलेगा, और ये आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी आपकी सिक्स है उसका यूज होता है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, अगर एफ एक्स ऑड है तो जीरो है, अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो से ए एफ एक्स
dx ये होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे fx odd फंक्शन है, तो a not is equal to the 1 upon pi integral minus pi से pi fx dx, fx odd है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये जानते हैं कि cos nx जो होता है वो आपका इवन फंक्शन होता है। इसी तरीके से sin nx जो होता है वो आपका ऑड फंक्शन होता है। क्यों? क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, यानी x के प्लेस पे अगर माइनस x पुट करेंगे तो fx आ जाए, तो इवन है, तो cos माइनस x होता है cos x। ऐसे ही sin माइनस x हो जाएगा माइनस sin x, तो cos इवन फंक्शन होता है, sin ऑड फंक्शन होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ये टर्म, यानी ये जीरो हो जाएगा। एफ एक्स है आपका ऑड फंक्शन और ये है आपका इवन, और ऑड इनटू इवन क्या होता है, ऑड फंक्शन, क्योंकि आप जानते हैं माइनस इनटू प्लस बराबर माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी ऑड फंक्शन इनटू इवन फंक्शन ऑड फंक्शन, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, ये जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से इसको देखिए, ये एफ एक्स है आपका ऑड और साइन है आपका ऑड, तो ऑड इनटू ऑड ये होता है इवन, तो इसलिए टू टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसी तरीके से यहां पे देखिए, वही चीज यहां पे आ गई है, क्या है कि अगर एफ एक्स आपका इवन फंक्शन है तो ये टू टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि ये इवन है और ये भी, और ये आपका जीरो हो जाएगा। तो नोट थर्ड और फोर्थ देखिए, ये नोट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों फार्मूले हैं, फिर आगे बताएं। समझ में आ गया हो तो आगे बताएं। ये सिर्फ फार्मूले हैं बस, कि एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है तो ए नॉट ए एन जीरो और बी एन हो जाएगा टू टाइम्स वन अपॉन पाई इंटीगल जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो ए नॉट हो जाएगा टू अपॉन पाई इंटीगल जीरो से पाई एफ एक्स डी एक्स, और ए एन हो जाएगा आपका, ए एन हो जाएगा टू अपॉन पाई इंटीगल जीरो से पाई एफ एक्स साइन एन कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन जीरो हो जाएगा। और नोट फर्स्ट में अगर इंटरवल जीरो से टू पाई है तो नोट फर्स्ट के फार्मूले ए नॉट ए एन बी एन होंगे, नोट सेकंड में अगर इंटरवल माइनस पाई से पाई है तो नोट सेकंड के फार्मूले हैं, नोट थर्ड में एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो उसके फार्मूले हैं, और नोट फोर्थ में एफ एक्स अगर इवन फंक्शन है तो उसके फार्मूले हैं, लेकिन फोरियर सीरीज वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बताएं। सर ये चौथे पॉइंट में भी ये बी एन कैसे जीरो हो रहा है?
सर ये बता दीजिए कैसे जीरो हो रहा है। ठीक ठीक ये होता है बी एन इज इक्वल टू दी वन अपॉन पाई इंटीग्रल माइनस पाई से पाई है और एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है तो यहाँ पे एफ एक्स जो है वो आपका क्या है इवन है, तो एफ एक्स इवन है और यहाँ पे एफ एक्स इवन है और साइन क्या है ऑड है। देखिए यहाँ पे एफ एक्स जो है वो आपका इवन है और साइन एन एक्स क्या है ये ऑड है, तो इवन ऑड का मल्टीपल क्या होगा ऑड होगा भाई, प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, तो इसलिए इवन ये सर ठीक है सर लिमिट माइनस माइनस ए टू ए ऑड में जीरो ही होता है, जीरो होता है तो क्योंकि एफ एक्स ऑड है एफ एक्स इवन है और साइन आपका ऑड है तो इवन ऑड का मल्टीपल क्या होगा ऑड होगा भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी ऑड फंक्शन अगर आ गया पूरा इंटीग्रल के अंदर का तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी और इवन फंक्शन आएगा तो टू टाइम्स हो जाता है। ठीक है ठीक है सर ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन हम वहां पे अप्लाई करते हैं जो मेन हम बता रहे हैं कि अगर कोई आपका अभी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें अगर इक्वलिटी नहीं लगी है तो अगर उसी पे प्रूफ होता है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लेते हैं माइनस पाई से जीरो में कोई और फंक्शन है और जीरो से पाई में कोई दूसरा फंक्शन है और अगर जीरो पे हमको एफ एक्स की वैल्यू निकालना है तब हम डिरिचलेट का यूज करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड फंक्शन प्लस राइट हैंड फंक्शन अपॉन टू, यानी दोनों फंक्शन का मीन निकाल देते हैं। तो चलिए इसको देखिए, लिखा है एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फूरियर सीरीज a not by 2 plus summation n running from 1 to infinity a n cos n x plus summation n running from 1 to infinity b n sin n x, जहाँ पे a not a n b n constant है, ठीक है। अब डेढ़ के दो से दो किलो जहाँ पे a नॉट a एन बी एन कॉन्स्टेंट है तो उसमें तीन पॉइंट्स हैं। पहला है एफ एक्स इज पीरियोडिक सिंगल वैल्यूड एंड फाइनाइट, यानी एफ एक्स जो है पीरियोडिक हो, पीरियोडिक का मतलब ये हो गया जैसे साइन और कॉस जो होते हैं वो क्या होते हैं पीरियोडिक फंक्शन है और इनका पीरियड 2π होता है। तो दूसरा ये है एफ एक्स हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज इन एनी वन पीरियड, यानी एफ एक्स के जो है वो फाइनाइट नंबर्स हो। तीसरा ये है कि एफ एक्स हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइनाइट हो। व्हेन दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द फोरियर सीरीज कन्वर्जेस टू एफ एक्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तो एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एज सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू द मीन ऑफ द लिमिट्स ऑन द लेफ्ट एंड राइट दैट इज वन अपॉन टू लेफ्ट हैंड फंक्शन इट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो एंड एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो डिनोट्स द लिमिट ऑन द राइट एंड लिमिट ऑन द लेफ्ट हैंड फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, यानी कोई भी आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो हमें एफ एक्स की उस डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे अगर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए उसका लेफ्ट हैंड फंक्शन और उसका राइट हैंड फंक्शन का मीन निकाल देते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ इंटरवल, ये न्यूमेरिकल में आपको ज्यादा क्लियर होगा अभी न्यूमेरिकल जब आएंगे। अब दूसरा है चेंज ऑफ इंटरवल, यानी अभी तक जो इंटरवल थे वो 0 से 2 पाई, -π से π ये थे और 0 से π थे, लेकिन अब हमें आर्बिटेरी इंटरवल निकालना है, यानी अगर 0 से 1 आए, 0 -1 से 1 हो या 0 से 1 हो, तो उसके लिए क्या काम करेंगे। तो लिखा है, हेडिंग है फोरियर सीरीज फॉर फंक्शंस हैविंग आर्बिटेरी पीरियड, यानी आर्बिटेरी पीरियड का मतलब कोई हम पीरियड ले लेते हैं, सी ले लेते हैं या टी ले लेते हैं या एल ले लेते हैं। तो देखिए, फोरियर सीरीज ऑफ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2π, क्यों ये पीरियडिक फंक्शन पीरियड 2π है, इसलिए क्योंकि इसके साइन और कॉस के जो पीरियड होते हैं वो 2π होते हैं, इसलिए पीरियडिक फोरियर सीरीज का जो पीरियडिक फंक्शन है उसका पीरियड 2π ही रहता है। तो नाउ वी कंसीडर द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन हैविंग पीरियड 2l, अब 2π के प्लेस पे हमने 2l ले लिया है। लेट fx बी अ पीरियडिक फंक्शन विद आर्बिटेरी पीरियड 2l डेफिनेट डिफाइंड इन द इंटरवल -l से l, यानी जब पीरियड 2l है तो हमने एक इंटरवल ले लिया है -l से l ले लिया है। तो हियर वी इंट्रोड्यूस अ न्यू फंक्शन t, अब एक नया फंक्शन हम t इंट्रोड्यूस करना है, फॉर विच द फंक्शन ऑफ t डिफाइंड इन द इंटरवल t लाई बिटवीन -π से π, और जहां पे t जो है -π से π है। तो इस तरीके से हमने सपोज किया है, लेट t इज इक्वल टू द πx/l, दैट इज x इज इक्वल टू द lt अपॉन π, ये हमने सपोज किया है कि t इज इक्वल टू द πx/l है। अब इसके आगे देखिए, then the function of then the function f of lt by pi, yani x is equal to lt by pi, that the function f of lt by pi will be periodic, ye bhi periodic hoga with period 2π, kyunki t jab periodic function hai iska period 2π hai, to iska bhi hua interval t is equal to the -π से π, to by Fourier series we have f of lt by pi is equal to the kya hai, a naught by 2 plus summation n running from 1 to infinity an cos nt plus summation n running from 1 to infinity bn sin nt, x के प्लेस पे t आ गया है और l और pi तो कांस्टेंट है, तो a नॉट हो जाएगा आपका 1 upon pi -π से π f of lt by pi dt, और an हो जाएगा 1 upon pi integral -π से π f of lt upon pi cos nt dt, और bn हो जाएगा 1 upon pi integral -π से π f of lt upon pi sin nt dt. Now let us return to the original variable x from equation first. The equation first क्या थी, t is equal to the πx/l, तो dt हो जाएगा आपका πx/l dx, यानी Fourier series में जहां जहां आपका t है वहां पर रख देंगे πx/l, तो fx हो जाएगा आपका a नॉट बाई 2, जहां जहां lt अपॉन पाई है वहां पे x रखेंगे, या जहां जहां पे t है वहां पे रख देंगे πx/l, तो t के प्लेस पे πx/l रखेंगे, तो fx हो जाएगा आपका a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n πx/l प्लस समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी bn sin n pi x by l, जहाँ पे a naught हो जाएगा 1 upon l integral -l से l fx dx, और bn हो जाएगा 1 upon l integral -l से l fx cos n pi x by l dx, और bn हो जाएगा 1 upon l integral -l से l fx sin n pi x by l dx। तो ये फार्मूले जो हैं ये आर्बिटेरी के लिए हैं, आर्बिटेरी का मतलब ये है कि अगर माइनस 1 से 1 है, ये फार्मूले हैं फॉर आर्बिटेरी पीरियड,
एग्जाम्पल जैसे माइनस वन से वन आ गया, या माइनस टू से माइनस टू से टू हो गया, समझ रहे हैं? तो ये सब आर्बिटेरी पीरियड है। आर्बिटेरी पीरियड का मतलब हो गया माइनस वन से वन, माइनस टू से टू, माइनस थ्री से थ्री, माइनस फोर से फोर, समझ रहे हैं? तो ये आर्बिटेरी पीरियड हो गए हैं। तो अगर ये आएंगे तो आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है? और अगर जीरो से टू पाई, माइनस पाई से पाई, जीरो से पाई वाले, तो वो फार्मूले हैं। और माइनस वन से वन है, माइनस टू से टू है, माइनस थ्री से थ्री है, माइनस फोर से फोर है, तो आपको ये फार्मूले अप्लाई करने हैं। तो ये इतने फार्मूले ध्यान रखिएगा, बस इसमें एंगल में चेंज हो जाता है, एन बाई एक्स बाई एल, वहां पे एन एक्स होता है। देखिए, समझिए, फिर आगे बताएं। आगे बताएं। एक मिनट सर। अच्छा अच्छा ठीक। यस सर। ये फार्मूले हैं आर्बिट्रेरी पीरियड के। जैसे माइनस वन से वन है, माइनस टू से टू इंटरवल है, माइनस थ्री से थ्री इंटरवल है, तो उस वक्त आपको यही फार्मूले अप्लाई करने हैं। हम इंटरवल के अकॉर्डिंग फार्मूलों को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इंटरवल जीरो से टू पाई है, और आपका इंटरवल है जीरो से ये माइनस पाई से पाई है, फिर उसके बाद है आपका जीरो से पाई जो नोड टू और नोड थ्री के हैं, और इसके बाद माइनस एल से एल, तो इनके आप अभी ये सब फार्मूले ही चल रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके फार्मूले। अब जैसे आपने अभी ये आपका ये जो फार्मूले हैं नोट ये आपका नोट ये नोट फोर है, और ये वाले हैं नोट थ्री के हैं। यानी एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो नोट फोर वाले जो अभी हमने लिखाए थे, ठीक है, और एफ एक्स आपका अगर ऑड फंक्शन है
इसको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज भी कहते हैं। तो ये आपका हाफ रेंज सीरीज है इन द इंटरवल माइनस पाई से जीरो से पाई है। तो अब जो एफ एक्स इवन था यानी नोड फोर, जो आपका नोड फोर था उसमें है, नोड फोर तो उसमें एफ एक्स जब इवन होता है तो ए नॉट ए एन टू टाइम्स हो जाता है और बी एन जीरो हो जाता है, फिर फोरियर सीरीज में रख देंगे। इसी तरीके से नोड थर्ड था एफ एक्स ऑड, उसमें ए नॉट ए एन जीरो होता है, बी एन टू टाइम्स हो जाता है और इसी को हम फोरियर सीरीज में रख देते हैं और हमारी वैल्यू आ जाती है। तो इसको हाफ रेंज कोसाइन सीरीज या सिंपल कोसाइन सीरीज कहते हैं, या हाफ रेंज साइन सीरीज या सिंपल साइन सीरीज कहते हैं। आगे बताएं, ये फार्मूले हैं। यस सर, ये इतने से फार्मूले थे। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आते हैं। पहला न्यूमेरिकल जो इंटरवल है जीरो से टू पाई है, पहले ये न्यूमेरिकल जो जीरो से टू पाई है, न्यूमेरिकल देखिए लिखा है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स पाई माइनस एक्स अपॉन टू इन द इंटरवल जीरो से टू पाई, deduced at pi by 4 is equal to the 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus up to so on. तो यहाँ पे interval 0 से 2 pi है, तो आप a naught a n b n निकालिए। तो a naught का formula क्या है, 1 upon pi integral 0 से 2 pi f x dx। तो आप उसको solve करेंगे, a naught की value 0 आएगी। इसी तरीके से ए एन क्या है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे पाई माइनस एक्स बाई 2, तो ए एन 0 आ जाएगा। और बी एन की फार्मूला क्या है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स है आपका पाई माइनस एक्स बाई 2, तो बी एन 1 अपॉन एन आ जाएगा। अब तो देखिए हमने एक पेज पे सॉल्व किया था, इसको देखिए कैसे आता है। पहले आप ए नॉट देखिए, ये फार्मूला समझ गए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया गया ये देखिए, अब हम बताते हैं। ये देखिए ए नॉट को, ए नॉट का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू पाई माइनस एक्स बाई 2 रख दिया है, ये दोनों को अलग अलग ब्रेक कर दिया है। इसको पूरा देखिए समझिए कि ए नॉट की वैल्यू कैसे जीरो आती है, दो मिनट में।